तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत गद्य भारतीकार नौवा लेसन संस्कृत भाषाया गौरवम अर्थात संस्कृत भाषा का गौरव। और ये इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। पिछला तीन पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे पार्ट को। इयम वाणी गुणतो अनर्णीयसी अर्थतो गरीयसी एकस्य श्लोकस्य षडर्था प्रदर्शिता नैषधे वाङ्मय दृष्टया महीयसी भावतो भूयसी अलंकारतो वरियसी। अर्थात यह वाणी गुणतो अर्थात गुणों से भी अनर्णीय अर्थात बड़ी और असीयन की है। अर्थात यह वाणी गुणों से भी बड़ी है। अर्थतो गरियसी अर्थात अर्थ से महान है। गरियसी अर्थात महान होता है तो अर्थ से महान है। एकस्य श्लोकस्य षडर्था प्रदर्शिता नैषधे नैषधे अर्थात श्रीहर्ष के द्वारा रचित ग्रंथ जो कि नैषध है उस ग्रंथ में एकस्य श्लोकस्य अर्थात एक श्लोक के षडर्था अर्थात छः छः अर्थ प्रदर्शिता अर्थात दिखाए गए हैं। वाङ्मय दृष्टा मयीयसी अर्थात साहित्य की दृष्टि से महान है। भावतो भूयसी भावतो अर्थात भाव से भी अधिक है। अलंकारतो वरियसी अर्थात अलंकार से श्रेष्ठ है। सुधातो यपि स्वादीयसी अर्थात सुधा अर्थात अमृत होता है तो अमृत से भी स्वादिष्ट है। सुधाशनानामपि प्रेयसी सुधा सुधाशनानान अर्थात सुधामृत पान कराने वालों को भी प्रेयसी अर्थात प्रिय है। अतएव जातक लेखकाः बौद्धाः सर्वात्मना पालिम प्रयुक्तुम कृत प्रतिज्ञा अपि संस्कृति अपि स्वीयान ग्रंथान व्यरचन। इसलिए जातक लेखक जातक अर्थात बौद्ध ग्रंथ के लेखक बौद्धों ने सर्वात्मना अर्थात सब प्रकार से पाली प्रयुक्तम अर्थात पाली का प्रयोग करने की कृत प्रतिज्ञा अर्थात करने की प्रतिज्ञा करते हुए संस्कृति अपि अर्थात संस्कृत में भी स्वीयान अर्थात अपने ग्रंथान वैरी रचन अर्थात ग्रंथों की रचना की। एवं इस प्रकार जैनाः कवयः दार्शनिका अपि संस्कृत भाषामपि स्वीकृतवन्तः यद्यपि ते विचारेषु विपक्षधरा एवं आसन। इस प्रकार जैन कवि और दार्शनिकों ने भी संस्कृत भाषा को स्वीकृतवन्तः यानी कि स्वीकार किया यद्यपि हालांकि वे विचारेषु अर्थात विचारों में विपक्षधरा अर्थात विपक्षी विरोधी पक्षों को धारण करने वाले ही थे। विपक्षधरा यानी कि विपक्षी विरोधी पक्ष को धारण करने वाले थे। अस्याः काव्यभाषायाः शब्दगतमर्थगतञ्च ध्वनिमाधुर्यं श्रावम् आवं सुरांगनापदनु नूपुरध्वनिना माधुर्यं धिक्कुर्वन्ति वाङ्मयाध्वनिनाः काव्यक्षेत्रे शब्दगतानर्थगतांश्च विस्फुरतो अलंकारान् विलोक्य पुनर्नावलोकयन्ति मणिमयान् अलंकारान्। अर्थात इसके काव्यों की भाषा शब्दगत चयन की और अर्थगत ध्वनि माधुर्यम अर्थात ध्वनि की मधुरता को श्रावम अर्थात सुन सुनकर श्रावम आवम अर्थात सुन सुनकर सुरांगना अर्थात देवांगनाओं की पद नुपुर ध्वनि अर्थात पायलों की ध्वनि की माधुर्यम अर्थात मधुरता की भी धिक कुर्वन्ति अर्थात निंदा करते हैं। वाङ्मया ध्वनिना अर्थात संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने वाले विद्वान जो होते हैं वो देवांगनाओं के पायलों की ध्वनि की मधुरता की भी निंदा करते हैं। काव्य के क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत अलंकारण अर्थात अलंकारों को विस्फुरत अर्थात स्फुरित होते हुए विलोक्य अर्थात देखकर पुनर्नावलोकयन्ति पुनः यानी कि फिर न प्लस न यानी कि नहीं और अब लोकयन्ति यानी कि फिर नहीं देखते हैं। क्या नहीं देखते हैं? मणि नयान अलंकारान अर्थात मणि के बने आभूषणों को नहीं देखते हैं। भारतीय धर्म इव संस्कृत भापि भारतीयानां वरिष्ठः शिवधि अर्थात भारतीय धर्म के समान संस्कृत भाषा भी अर्थात संस्कृत भाषा भी
भारतीय नाम अर्थात भारतीयों की सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ अर्थात सर्वश्रेष्ठ शिवधी अर्थात निधि है। यमेव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण प्रांतीयासु तासु तासु भाषासु तिरोहिता वर्तते। यही भाषा शाखा प्रशाखा के रूप में प्रांतों की उन उन तासु तासु यानी कि उन उन भाषासु अर्थात भाषाओं में तिरोहिता वर्तते अर्थात छिपी हुई है। अद्य केचन धर्मांधाः राजनीति भावना भाविताः भारतस्य खंडनम् अभिशन्ति। आज अद्य यानी कि आज कुछ धर्मांध राजनीति भावना भाविता अर्थात भावना से युक्त होकर भारतस्य अर्थात भारत के खंडम अभिशन्ति अर्थात खंड करना चाहते हैं, टुकड़े करना चाहते हैं। कारणम तेषां संस्कृत भाषायाः अज्ञानम्। कारण है उनके संस्कृत भाषा का अज्ञान होना अर्थात संस्कृत भाषा को नहीं जानना ही उनका कारण है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अर्थात जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। गरीयसी यानी कि महान है, बढ़कर है। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। यह अपना या पराया ऐसा विचार लघु चेतसाम अर्थात तुच्छ चित्त वृत्ति वाले तुच्छ छोटे मन वालों का विचार है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम् अर्थात उदार चरित्र वाले मनुष्यों के लिए तो वसुधैव अर्थात सारी पृथ्वी ही कुटुंबकम् अर्थात कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः अर्थात पंडित, शुनि अर्थात कुत्ते और श्वपाके अर्थात चांडाल में समदर्शिनः अर्थात समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। माँ हिस्सर भूतानि, हिस सर्वभूतानि अर्थात सर्वभूतानि अर्थात सभी प्राणियों की, हिंसा यानी कि हिंसा, मा यानी कि मत यानी कि नहीं करनी चाहिए, इनके सभी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि मणिगणा इव। मयि यानी कि मुझ में, सर्वम इदम यानी कि यह सारा संसार, प्रोक्तम सूत्रे अर्थात धागे में, मणिगणा इव यानी कि मणियों के समान प्रोतम अर्थात पिरवा हुआ है। इमे उपदेशाः यदि भारतीयानां समक्षं समीक्ष्यन्ता तदा सकलं भारतं स्वयं स्वयमेव एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्यते। ये उपदेश अगर भारतीयों के सामने समीक्ष्यन्ता अर्थात समीक्षा करके देखा जाए तदा यानी कि तब सकलं भारतम अर्थात सारा भारत स्वयं ही एक सूत्रे अखंडात सूत्रे अर्थात अखंडता के एक सूत्र में निबध्येत अर्थात बंध जाए। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवा देवतात्मा हिमालयो नामा नगाधी राजः। अस्ति प्लस उत्तरस्याम दिशि अर्थात उत्तर दिशा में, अस्ति अर्थात है, देवतात्मा अर्थात देवता स्वरूप हिमालय, नाम यानी कि नाम का नगाधी राज यानी कि पर्वत राज है, यानी कि उत्तर दिशा में देवात्म स्वरूप हिमालय नाम का पर्वत राज अस्ति अर्थात है। मानसम यान्ति हंसाः न पुरुषा इव, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए क्या मानसम अर्थात मान सरोवर पर यान्ति अर्थात जाते हैं हंसः यानी कि हंस, यानी कि क्या मान सरोवर पर हंस ही जाते हैं, न पुरुषा एव पुरुष नहीं। इति षडिंडिम घोषयति यम भाषा अर्थात यह भाषा, इति यानी कि इस प्रकार, षडिंडिम अर्थात ढिंढुरा पीटकर घोषयति यानी कि घोषणा करती है, अर्थात यह भाषा इस प्रकार ढिंढुरा पीटकर घोषणा करती है। संस्कृतम विना एकताया अखंडतायाः पाठः निरर्थक इव प्रतीयते। संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ निरर्थक अर्थात व्यर्थ ही प्रतीयते अर्थात प्रतीत होता है, एव अर्थात ही व्यर्थ ही प्रतीत होता है। नेहरू महाभागेनापि स्वकीयायाम आत्मकथायाम लिखितम यत संस्कृत भाषा भारतस्य निधिस्तस्याः सुरक्षाया उत्तरदायित्वं स्वतंत्रे भारते आपतितम्। नेहरू महाभागिना भी अर्थात नेहरू जी ने
अपने स्वकियायाम ये अर्थात अपने आत्मकथायाम अर्थात आत्मकथा में लिखितम लिखा है कि संस्कृत भाषा भारतस्य निधि, भारत की निधि है, तस्य जिसकी अर्थात उसकी सुरक्षा है, यानी कि सुरक्षा का उत्तरदायित्व जिम्मेदार स्वतंत्र भारत पर आपतितम अर्थात स्वतंत्र भारत पर आ पड़ा है। अस्माकं पूर्वजानां विचाराः अनुसंधानानि चास्यामेव भाषायां सन्ति। हमारे पूर्वजों के विचार चाहे यानी कि और अनुसंधानानि अर्थात अनुसंधान अर्थात खोज इसी भाषा में है। अस्याम प्लस एव प्लस भाषायाम प्लस अस्ति अर्थात इसी भाषा में है। स्व सभ्यताया धर्मस्य राष्ट्रीय इतिहासस्य संस्कृतेश्च सम्यक बोधाय संस्कृतस्य ज्ञानम परमावश्यकम अस्ति। अपनी सभ्यता धर्म राष्ट्रीय इतिहास का और संस्कृत की सम्यक बोधाय अर्थात अच्छी तरह से ज्ञान के लिए संस्कृत का ज्ञान संस्कृतस्य ज्ञानम यानी कि संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यकम अस्ति अर्थात परम आवश्यक है अत्यधिक आवश्यक है। केनापि कविना मधुरम उक्तम भवति किसी कवि ने अपनी मधुर उक्ति में कहा है यानी कि किसी कवि ने मधुर ही कहा है। भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यया सुरभाषया अर्थात जिस सुरभाषया यानी कि संस्कृत भाषा के द्वारा प्रतिदिन भारत की संस्कृति की रक्षा होती है। सकल वाग्जननी भूभी सा श्रुत्वा बहुजनैः सततम् हि समाद्रति अर्थात भूभी अर्थात भूमि पर पृथ्वी पर सा यानी कि वह सभी वाग्जननी अर्थात भाषाओं की जननी है। श्रुता बुद्धजनैः अर्थात विद्वानों ने सुना है ऐसा विद्वानों ने सुना है। सततम् हि समाद्रति अर्थात वह निरंतर समादृति यानी कि आदर के योग्य हैं। तथा भूताया अस्याः भाषायाः पुनरभ्युदयाय भारतीयैः पुनरपि सततम् यतनीयम् तथा भूताया यानी कि इस प्रकार ऐसी भाषा के इस भाषा के पुनरुत्थान के लिए भारतीयैः अर्थात भारतीयों को पुनरपि यानी कि फिर से सततम् यानी कि निरंतर यतनीयम् अर्थात प्रयत्न करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है चौथे पार्ट में। होप ये पूरा चैप्टर और ये पार्ट आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।